खरगोन में ईवीएम मशीनों में आग लगने के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगने का खुलासा हुआ है। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित किया था। कलेक्टर अनुग्रह पी ने मीडिया को बताया कि जांच के बाद रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अब आग कैसी लगी, प्रशासन ईवीएम के एक्सपर्ट को बुलाकर ही कारण का पता लगाएगा। इस मामले में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे गोविंद मुजालदे और खरगोन विधायक रवि जोशी ने घटना को साजिश बताया था। अब आग लगने का कारण पता लगने और ईवीएम में हुए नुकसान के आकलन के लिए प्रशासन एक्सपर्ट को बुलाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मैम, स्ट्रांग रूम में आग लगी थी, उस मामले में जांच भी होगी, क्या जांच में क्या निष्कर्ष निकला? वहाँ अंदर क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो बंद था, सो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो कोई ईएनएम वालों ने नहीं देखे हैं, तो उसका रिपोर्ट हमने भेजे हैं। आगे का बेल का इंजीनियर्स को जो है बुला के जाँच करने के लिए सलाह दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।